गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। स्वागत है दोस्तों आज के इस सेशन में। बेहद खास सेशन होने जा रहा है आज का ये, और उसकी वजह है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, साथ ही वो जो हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस में रेगुलर जुड़ते रहते हैं, इन सभी लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि आपको हम पोर्टफोलियो फॉर्म करना सिखाएं। सभी लोगों ने हमसे रेगुलर ये रिक्वेस्ट की है, और उसकी एक खास वजह भी रही है फ्रेंड्स। निफ्टी के अंदर जो लेटेस्ट गिरावट आ रही है, जिसमें कि ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, ज़्यादातर सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में हैं, और बहुत सारे नए निवेशक मार्केट के अंदर आ रहे हैं। हमारी शेयर अकेडमी चैनल से भी जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश निवेशक हैं, तो उन्होंने कहा कि जब शुरुआत हम अच्छी कर ही रहे हैं एक अच्छे चैनल के साथ में जुड़े हुए, सो क्यों ना पोर्टफोलियो फॉर्म करना हमें सिखा दिए, ताकि हम जो अपना निवेश करें वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत हो। और फ्रेंड्स, उसी डिसिप्लिन के तहत हम आज का ये सेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक आइडल पोर्टफोलियो जब भी आप बनाएं मार्केट में, तो उसमें आपको शेयर्स किस किस तरीके से और जो फंड है उसका एलोकेशन किस तरीके से करना चाहिए। एक चीज़ क्लियर है फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर कोई भी एक आइडल या स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसके तहत आपको अपना पोर्टफोलियो फॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड मिल जाए कि आपको इसी तरह से अपना पोर्टफोलियो फॉर्म करना है। उसकी वजह यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग उम्र पे और अलग अलग तरह की अर्निंग है सबके पास में, ठीक है। किसी की अर्निंग बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम, और उम्र का भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके पोर्टफोलियो पर। उसकी वजह यह है कि जो यंग आदमी है वो रिस्क ज़्यादा ले सकता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो रिस्की ट्रेड्स हैं उसके अंदर ज़्यादा कर सकता है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है, तब आप अपने पैसे से ज़्यादा रिस्क ले नहीं ले सकते। तो उस समय आपको अपने सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, अपने प्रिंसिपल की, तो उस समय आपको कम रिस्की ट्रेड्स लेने होते हैं। हाउएवर, इन सबको एवरेज करके एक एवरेज पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, इसकी हमने कोशिश की है और वो हम आपके सामने निकाल कर लाए हैं। हम ये मान कर चल रहे हैं कि एक एवरेज निवेशक जिसके पास मंथली तकरीबन 50,000 से 60,000 की सेविंग हो रही है, जो कि वो मार्केट के अंदर लगा सकता है, और जिसकी उम्र तकरीबन एवरेज 30 साल के करीब है, और वो अभी अभी मार्केट के अंदर आया है, तो उसे अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से एलोकेट करना चाहिए, उसका जो फंड है वो किस तरह से एलोकेट करना चाहिए, इसी पर आज का ये पूरा सेशन होगा, जिसमें कि जिसका कि टॉपिक है कि नए निवेशक कैसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो, और इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि इस पोर्टफोलियो के तहत आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से पूरी तरह से दूर रहेंगे। ये निवेश सिर्फ और सिर्फ शेयर एकेडमी के तरीके के हिसाब से होगा, जहां पर हम शेयर्स को सबसे पहले फंडामेंटली थॉरली एनालाइज करते हैं, उसके बाद टेक्निकली चार्ट्स पर देखते हैं कि शेयर निवेश के लायक है या नहीं, और उसके बाद ही उसमें खरीदारी की सलाह देते हैं। तो यहां पर आपको ये डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखना है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो जर्नी शुरू करते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि आपके पास आज की डेट में अगर 100 रुपये हैं तो उसका एलोकेशन आपको कैसे करना चाहिए। सो ध्यान से देखिएगा, एक पोर्टफोलियो जो कि आइडल पोर्टफोलियो है, जो कि आपको बनाना चाहिए, उसके मोटा मोटी 4 हिस्से होने चाहिए सबसे बड़े, ठीक है। सबसे पहला 25% के करीब आपका एलोकेशन हमेशा ऐसे शेयर्स में होना चाहिए जो कि लंबे समय के लिए आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 25% यानी अगर 100 रुपये हैं तो 25 रुपये आपके ऐसे शेयर्स में होने चाहिए जो 5 साल या उससे लंबे समय के लिए आप पोर्टफोलियो के अंदर रख रहे हैं। अब इसके बाद एक बार पहले हम समरी ले लेते हैं, देन डिस्क्राइब करेंगे कि जो ये इंडिविजुअल 4 कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के अंदर आपको शेयर्स कैसे रखने हैं और उनका डिटेल क्या हो सकता है, ठीक। 50% जो वैल्यू है, यानी कि लगभग 50 रुपये के करीब, ये आप रखेंगे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के तौर पर। ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब है
कि बेहद शॉर्ट टर्म के लिए, यानी ये समझिए कि 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स के लिए आप अगर रख रहे हैं, ठीक है, सो वो पैसा होना चाहिए तकरीबन टोटल पोर्टफोलियो का 50%। देन 20% आपको कैश रखना है, ये पैसा आपको हर समय कैश रखना है। तो ये जो 20% वाला पार्ट है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 20 से 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, कि जितनी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। और 5% पैसा आपको रखना है पेनी स्टॉक्स के अंदर। नाउ ये सेशन हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे यहां पर, क्योंकि पेनी स्टॉक अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में रखें, ना चाहें तो ना रखें, बट हमारी समझ से थोड़ा एलोकेशन आपको पेनी शेयर्स के अंदर जरूर करना चाहिए। ओके, सो अब एक एक करके फ्रेंड्स देखना शुरू करते हैं कि आखिर हर एक सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट सेक्शन जो कि है 5 ईयर्स का, टोटल पोर्टफोलियो का 25% आपका, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज को। सबसे पहली जरूरत आपकी मार्केट के अंदर है कि आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जिसका न केवल प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है वो सेव रहे, बल्कि जिसके अंदर रिस्क सबसे कम हो, रिटर्न भले कम हो बट लंबे समय के लिए आप निवेश करें, वो आपके पोर्टफोलियो का सबसे पहला पार्ट होना चाहिए। यानी टोटल पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा, यानी अगर 100 रुपए हैं आपके पास तो 25 रुपए आपके लॉन्ग टर्म निवेश में पड़े होने चाहिए। नाउ लॉन्ग टर्म निवेश का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है कि आपका मूलधन हमेशा सेफ रहता है। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, आप कह सकते हैं इन्हें ब्लू चिप्स, अपने जो सेक्टर है उसके दिग्गज या फिर मार्केट के दिग्गज हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे इनके नाम, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है निफ्टी बीज, आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स गिर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, कंपनी बंद हो सकती है, बट ओवरऑल मार्केट हमेशा रहेगी। निफ्टी का एक पार्ट जिसे आप रिलायंस निफ्टी ETF कह सकते हैं या निफ्टी बीज के तौर पर कह सकते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। एक सेकेंड, गोल्ड बीज आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड हेजिंग करता है, जब निफ्टी गिर रहा होता है उस समय गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न देता है, ठीक। सो निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, इसके अलावा जैसे कि 3M इंडिया, जैसे कि मारुति, जैसे कि IGL, या लंबे समय के लिए MRF, PVR, रिलायंस, ये कुछ जो ब्लू चिप्स हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जो हमेशा से रहने वाली, इंफोसिस जैसी कंपनियां, ठीक, जो बिल्ड टू लास्ट हैं, ये हमेशा रहेंगी। इन कंपनियों में आपको जो भी पैसा लगाना है वो पैसा लगाने के बाद आपको लंबे समय के लिए, मिनिमम 3 से 5 साल के लिए आपको छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। नीलेश शाह जी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाने के बाद दोबारा उसे मुड़कर नहीं देखा, यानी जो लोग मर गए उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया मार्केट के अंदर। इसकी वजह यह है कि बार बार आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में, पोर्टफोलियो में हाथ नहीं लगाना है। अच्छे शेयर्स चूज करने हैं जिनके अंदर ग्रोथ है, लंबे समय के लिए जो रखने हैं, ऐसे शेयर्स 25% हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट कीजिए। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि इस 25% हिस्से में कितने शेयर्स होने चाहिए, 100 शेयर या 1 शेयर? तो आइडली आपको इस हिस्से के अंदर कम से कम 5 शेयर रखने चाहिए, यानी अपने टोटल पोर्टफोलियो का हर एक शेयर 5% हिस्सा खरीदिए, यानी 25 रुपए अगर आपको लगाने हैं तो 5-5 रुपए हर एक शेयर में लगाइए। 5 रुपए से निफ्टी 20, 5 रुपए से गोल्ड 20, बाकी के जो 15 रुपए बचे इससे एक एक शेयर बाय कीजिए जिसमें लंबे समय में ग्रोथ होने वाली है, और उन शेयर्स को बाय करके उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का ये पार्ट बनाइए जो कि 25% हिस्सा रहेगा। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड, ट्रेडिंग का पार्ट। फ्रेंड्स, ये वो पार्ट है जो आपके पोर्टफोलियो से सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा, इसलिए इस पार्ट की अहमियत सबसे ज्यादा है आपके पोर्टफोलियो में। अपने पूरे पोर्टफोलियो का 50% के करीब वैल्यू ट्रेडिंग के लिए रखिए, बट ध्यान रखिए ये ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म की नहीं है, ये ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ये कम समय का निवेश है। ट्रेडिंग है जो कि 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर यानी 1 साल तक का निवेश। अगर आप ये सवाल पूछें कि एवरेज निवेश वॉरेन बफेट का किसी भी कंपनी में कितना है, तो वो है 6 मंथ्स, सिवाय कुछ कंपनियों को छोड़कर, कोका कोला जैसी कंपनियां जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक रखी हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसके अलावा जो कंपनियां वो ट्रेडिंग करते हैं जिन कंपनियों में, उनमें वो 6 महीने तक निवेश करके रखते हैं, रिटर्न निकलता है, निकालते रहते हैं बर्कशायर हैथवे में। ओके, सो ये वो पार्ट है आपके पोर्टफोलियो का जो सबसे बढ़िया रिटर्न देगा, इसलिए इस पार्ट का सबसे अच्छी तरह से ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। करना क्या है, 50% हिस्सा या 50 रुपए आपके पोर्टफोलियो का जो कि ट्रेडिंग वाले पार्ट में होगा,
इसमें आपको कम से कम 10 शेयर रखने हैं, यानी हर एक शेयर में ₹5 का निवेश करना है और उसके बाद इन शेयर्स को रखना है अपने पोर्टफोलियो में 2-3 क्वार्टर तक के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज। कोई भी कचरा शेयर आपके पोर्टफोलियो का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी शेयर में बाय करने से पहले फंडामेंटल्स देखना बेहद जरूरी है। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स ही चुनिए। सबसे पहला फंडामेंटल्स चुनिए, शेयर स्ट्रांग होना चाहिए फंडामेंटली। सेकेंड, सेक्टर परफॉर्म कर रहा होना चाहिए। जैसे कि करंट मार्केट में अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स भी चुनते हैं MRF जैसा या MNM के जैसा या TVS मोटर्स के जैसा, तो चूंकि ओवरऑल ऑटो सेक्टर डाउन ट्रेंड में है इसलिए ये शेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर, सेकेंड सेक्टर परफॉर्म करता हुआ होना चाहिए, थर्ड जो भी शेयर आप चूज कर रहे हैं वो टेक्निकली अच्छा होना चाहिए। MRF करेंटली टेक्निकली वीक है, फंडामेंटली भले अच्छा है बट टेक्निकली वीक है, शेयर डाउन ट्रेंड में है, तो ये शेयर्स बाय नहीं करने हैं इस पार्ट के। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होना चाहिए, और तीसरा चार्ट पर ये शेयर बढ़िया होने चाहिए, तब इन शेयर्स के अंदर निवेश कीजिए। निवेश करने के साथ मिनिमम 2-4 क्वार्टर्स तक अपने पोर्टफोलियो में रखिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न मिनिमम इनके अंदर 15-20% के होने चाहिए, और ज़्यादा हो सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। प्रॉपर रिटर्न निकालते रहिए, रिटर्न निकालते हुए शेयर्स लगातार चेंज करते रहिए ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं। जिस भी शेयर के अंदर बढ़िया मोमेंटम है उन शेयर्स को इस पोर्टफोलियो के अंदर रखते रहिए, रिटर्न निकालते रहिए लगातार शेयर्स के अंदर से। ये बहुत खास है, आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा ये है। और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो है आपका, पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग पार्ट, ध्यान रखिए कि इसमें ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी है। अगर कोई एक शेयर अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो भी ऐसा नहीं करना है कि ₹5 के बजाय उसके अंदर ₹10 आप लगा दें। नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है ट्रेडिंग का। क्या? कि ₹5 से ज्यादा एक शेयर के अंदर नहीं डालने हैं। क्यों? आपको कभी भी नहीं पता कि शेयर के अंदर कब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाएगा या कब कोई बैड न्यूज आ जाएगी, तो इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बिना जाने निवेशकों के आ जाती हैं, जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, उनसे बचने के लिए ही इसे कहते हैं रिस्क, क्या कहते हैं, मिनिमाइज करने के लिए या रिस्क मैनेज करने के लिए आपको हमेशा इसके अंदर ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। इस पार्ट का बहुत ख्याल रखना है आपको, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला पार्ट है, और ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा रिस्की भी है। बट ध्यान रखिए कि रिस्क को मिनिमाइज करने का काम शेयर अकेडमी ने आपको इससे पहले ही सिखा रखा है। जो हमारा वीडियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वीडियो था उसके अंदर आपको पता है कि रिस्क मिनिमाइज कैसे करना है। सबसे पहला फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स चुनना है, वहीं पर आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स चुनते हैं। सेकंड, शेयर्स के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, अगर ग्रोथ है कंपनी में तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। थर्ड, अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद ही शेयर में बाय करना है। तीनों ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं डिसिप्लिन, तो आप रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके, 50% ट्रेडिंग में डालने के बाद आपका टोटल 75% एलोकेट हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75% पैसा बचता है। 20% आपके टोटल पोर्टफोलियो का पैसा एवरी टाइम आपके पास कैश होना ही चाहिए। इस चीज को समझिए, अगर आप एक रेगुलर अर्निंग पर्सन है जिसके पास लगातार पैसा आता रहता है अपनी सैलरी से, तब तो आपके लिए 20% मेंटेन करना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर इनकम वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो अपने कैश का 20% आपको हर समय रखना ही चाहिए कैश में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सडनली निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर ऐसे मोमेंटम आते हैं, डाउन ट्रेंड इस तरह से आते हैं, जबकि बहुत हायर वैल्यूएशंस वाले शेयर अच्छे खासे लोअर वैल्यूएशंस पर चले जाते हैं, सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप 100% मार्केट में अपना पूरा पैसा डालकर बैठ जाएंगे तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को आप कभी भी भुना नहीं पाएंगे, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, और ये गलती मार्केट में नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वॉरेन बफेट ने अपने एक फेमस कोट में कहा था, एक इंटरव्यू हो रहा था उनका, उसमें उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे बेसबॉल प्लेयर की तरह हूं जो शांति से बैठकर इंतजार करता रहता है बॉल्स के आने का, मैं हर बॉल में अपना बल्ला नहीं घुमाता। तो इंटरव्यूअर ने पूछा, तो फिर आप क्या हर 3 बॉल के बाद बल्ला घुमाते हैं? तो वॉरेन बफेट ने कहा, मैं कभी कभी 200 बॉल तक भी बैठा रहता हूं और वेट करता रहता हूं।
जब तक मुझे एक अच्छी बॉल नहीं मिलती तब तक मैं बल्ला नहीं घुमाता। बल्ला घुमाने का मतलब क्या है? ट्रेड लेते रहना। और यही गलती करते हैं ज़्यादा ट्रेड लेने वाले। ये वॉरेन बफे का एक क्लियर इंटरव्यू है, बहुत ही शानदार। और अगर आप मार्केट में वाकई वॉरेन बफे बनना चाहते हैं तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए और सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक। सो अगर आप हर बॉल पर बल्ला घुमा रहे हैं, अगर आप हर शेयर खरीद रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 100% निवेशित हो जाएंगे, आपके पास कैश नहीं बचेगा। कैश नहीं बचेगा तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20% वैल्यू आपकी कैश में रहनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होगा कि जब 20% वैल्यू आपकी कैश में नहीं बचेगी, कई बार होगा कि 15% या 20% ही बचेगा, या माफ कीजिएगा 15% या 10% ही बचेगा वैल्यू। कोई बात नहीं, कहने का मतलब है कि मिनिमम 1 से 2 शेयर्स खरीदने की कैपेसिटी आपके पास में होनी चाहिए। एक शेयर पर अगर आप 5% लगा रहे हैं तो 2 शेयर्स का मतलब 10% से लेकर 20% तक के वेरिएशन होने चाहिए। कैश आपके पास रहना चाहिए हर समय मार्केट में नया निवेश करने के लिए। ये एक डिसिप्लिन है मार्केट का। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते तो रिटर्न्स की उम्मीद मत कीजिए मार्केट के अंदर, ठीक। सो कैश रखिए अपने पास, इंतज़ार करते रहिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने का, और जब सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उस समय निवेश कीजिए मार्केट के अंदर और अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें सीखी हुई हैं हमने जो मार्केट के सबसे दिग्गज हैं उनसे, वही चीज़ हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ओके। सो 20% हमेशा अपने पास में कैश रखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करते रहिए, और जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तब आप इनमें बाय कर सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है पेनी शेयर, सबसे कम डिस्कस किया हुआ और जिस पर सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं। आपको पता है कि हमने निवेश के लिए कुछ पेनी शेयर्स की रिकमेंडेशन दी थी। सबसे कम अंडरस्टैंडिंग वाला ये पार्ट है जिसे लोग सबसे कम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, पेनी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो फंडामेंटल्स ठीक ठाक लिए हुए बट बहुत लंबे समय में परफॉर्मेंस देने लायक होते हैं। आमतौर पर कुछ लोग कहते हैं कि पेनी शेयर से दूर रहना चाहिए, बट हम ये नहीं मानते। पेनी शेयर्स बेसिकली लंबे समय में 5, 6 साल, 10 साल तक कभी कभार ऐसा समय दिखाते हैं जब वो अपने निवेश से 4 गुना, 5 गुना तक हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब सडनली आपको गेन मिलता है। इन गेन्स का इस्तेमाल करते हुए आप पेनी शेयर्स के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं जो कि बिल्ली के भाग से छींका टूटने जैसा होता है। आप न रखिए, पूरी तरह से आपकी मर्जी है, आप रिस्क नहीं लेना है आपको, आप मत रखिए पेनी शेयर्स को, दूर हो जाइए पूरा का पूरा पैसा। आप चाहें तो जो 5% ये बचा हुआ है ये चाहे तो आप ट्रेडिंग वाले पार्ट में डाल सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो वाले पार्ट में डाल सकते हैं, 5 ईयर्स या उससे लंबे समय वाले में। बट हमारा मानना है कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स जो कि बहुत कम दामों पर अवेलेबल हों, पेनी शेयर्स जैसे जिनका कि प्रोडक्ट या फिर उनकी सर्विसेज अच्छी हों, प्रॉमिसिंग हों, जो कि लंबे समय में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दे सकती हो, तो पेनी स्टॉक्स वाला पार्ट ऐसा होगा जो आपके पोर्टफोलियो को एक सडन जंप देगा। डबल हो जाना पेनी स्टॉक्स का, 2-3 रुपए के शेयर्स का डबल हो जाना बहुत आम बात है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके साथ एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन है कि पेनी स्टॉक्स में कभी भी ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी है, जो आमतौर पर निवेशक ध्यान नहीं रखते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेनी स्टॉक्स लंबे समय के लिए हैं, 5 साल 10 साल के लिए एक, दूसरा पेनी स्टॉक्स में कभी भी जितनी मनी आपने, जितनी हम यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं कि 5% से ज़्यादा नहीं लगानी है, और एक पेनी स्टॉक के अंदर 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना है। 1 रुपया का मतलब है 1% आपके टोटल पोर्टफोलियो का 1%, यानी 5% का जो पेनी स्टॉक्स वाला पार्ट है उसमें आप 5 शेयर्स रख सकते हैं, 1 शेयर में 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना है। कई बार फ्रेंड्स हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने क्या किया कि इतने क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद उन्होंने अपना पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा पेनी स्टॉक्स के अंदर लगा दिया। नाउ क्या ये जो उन्होंने काम किया ये डिसिप्लिन्ड है? क्या ये एक सही तरीका है? क्या ये एक निवेशक का तरीका है या क्या ये एक समझदार इंसान का तरीका है? जवाब है नहीं। तो मार्केट में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मार्केट की मजबूरी नहीं है आपको रिटर्न निकाल कर देना। अगर आप सही फैसले लेंगे तो मार्केट आपको सही परफॉर्मेंस देगा, अगर आप गलत फैसले लेंगे तो मार्केट आपको परफॉर्मेंस भी वैसी ही देगा। इसलिए एक निवेशक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है सही फैसले लेने की। सही फैसला ये है कि अपने पोर्टफोलियो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जस्टिफाइड तरीके से, और हर एक पार्ट का सही तरह से निवेश के लिए इस्तेमाल कीजिए। सो पेनी स्टॉक्स में आप जो भी शेयर्स खरीदें, 5 शेयर से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स मत रखें, 1 शेयर में अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा मत रखें, और कभी भी लेवरेजिंग नहीं करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड, सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो बनाते समय जितना कैश आपके पास अवेलेबल है
सिर्फ उतने कैश के ही शेयर्स खरीदें। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए के शेयर्स खरीदें। मार्जिन का इस्तेमाल मार्केट के अंदर कभी भी नहीं करना है। ट्रेडिंग से लंबे समय में मार्केट में पैसा कभी भी नहीं बना है। इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मार्केट में पैसा कभी भी नहीं बना है। पैसा हमेशा मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में लंबे समय तक निवेश करके ही बना है। फ्रेंड्स, ये हमारी आपके लिए एक सलाह थी और एक छोटा सा वीडियो जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने रेकमेंड किया था। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा एक पोर्टफोलियो के लिए बना कर दें कि जिसके तहत वो अपना पोर्टफोलियो फॉर्म कर सकें। हज़ारों और तरीके हो सकते हैं जहां पर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो अपने ट्रेडिंग का ये पार्ट और बढ़ा सकता है, अपने पेनी जो 5% पार्ट है इसे घटा सकता है। कोई चाहे तो अपने कैश का पार्ट कम कर सकता है, 10% ही कैश रखे और बाकी का 10% जो पार्ट है वो भी ट्रेडिंग के अंदर ऐड कर सकता है। पूरी तरह से ये आप पर डिपेंड करता है। हमने ये एक एवरेज निकाला है कि 30 साल के एक व्यक्ति को जिसका मंथली इनकम तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये है और जो सेविंग कर सकता है अच्छी खासी 30-40 हज़ार के करीब और मार्केट के अंदर लगा सकता है, वो ये काम कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का पार्ट अलग है, आपकी जो इंश्योरेंस हैं पॉलिसीज़ हैं उनका पार्ट अलग है। ये पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्केट अमाउंट का है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे पोर्टफोलियो का एक प्रॉपर तरीके से ट्रैक रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप हाफ वे मार्केट में नहीं हो सकते। आप ये सोचें कि आज मैं सामान लेकर और सो जाता हूं और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं करूंगा, ऐसे काम नहीं होगा। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं उसे रेगुलरली ट्रैक करते रहें। जिन शेयर्स के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है प्रॉफिट रेगुलर बुक करते रहें और नए शेयर्स लगातार ढूंढते रहें, अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें। ये हमारा एक आइडियल पोर्टफोलियो का तरीका था जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर वेरिएशंस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी फ्रेंड्स किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो ये सेशन है ये आपको कैसा लगा, इससे आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है। नए निवेशक होने के तौर पर सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों को बहुत ज़्यादा ल्योर करती है और यही वजह है कि इन पर्टिकुलर जगहों पर सबसे ज़्यादा निवेशक फंसते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें नुकसान होता है। शेयर एकेडमी के सब्सक्राइबर होने के तौर पर और इस वीडियो के विजिटर होने के तौर पर हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले 20 लोगों से मुलाकात कर लीजिएगा। जिसने रेगुलर पैसा बनाया हो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लीजिएगा कि वाकई उसने पैसा बनाया है या सिर्फ वो आपसे बातें कर रहा है। उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में जाइएगा। हमारी अपनी जानकारी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में लंबे समय तक कभी भी पैसा नहीं बना और उसकी एक वजह भी है। कम्युनिटी टैब के अंदर ध्यान से देखिए, हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लंबे समय में पैसा बनाया है इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में। 44% लोगों ने लॉस किया है, 50% लोगों ने ट्रेडिंग ही नहीं की, सिर्फ 6% ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट बनाया। और ध्यान से सुनिए लोगों के कमेंट्स क्या क्या हैं। इंट्राडे में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा और लॉस देखिए लोगों ने कितना लिया, 1 लाख का लॉस, 1.5 लाख का लॉस, 1,70,000 का लॉस, 5 लाख का लॉस 4 मंथ में। ये वो लॉसेज हैं फ्रेंड्स जो बुरी तरह से होते हैं इंट्राडे के अंदर या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपना पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप एक निवेशक हैं या फिर एक ट्रेडर हैं लॉन्ग टर्म के, तो भी अच्छा पोर्टफोलियो फॉर्म करें। डिसिप्लिन के साथ में इस पोर्टफोलियो को मेंटेन रखें हमेशा, इसका रेगुलर चेक करते रहें, इसे ट्रैक करते रहें। और अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो हमसे पूछना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इससे आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम टाइम एंड अगेन आपके क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो आज का हमारा ये सेशन था न केवल आपको पसंद आया होगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए ये नॉलेज वाला और प्रॉफिटेबल होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।